अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। तो आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर संस्कृत का एग्जाम हो चुका होगा और यहाँ पर देखिए आपका इस चैनल पर आ चुका है संस्कृत का 100% करेक्ट आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, 100% करेक्ट आंसर की होगा संस्कृत के A to Z क्वेश्चन का, फर्स्ट शिफ्ट का है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का भी आएगा तो उसका भी आंसर की आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ नन हिंदी का भी जो है आपके इसके बाद जो आंसर की मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेने से पहले जो नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात अगर हम करें लेटेस्ट अपडेट की तो लेटेस्ट में भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, 2136 पदों पर ये वैकेंसी है ना। उसके बाद यहाँ पर आंसर की देखिए, उर्दू हिंदी सभी का आंसर की आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से आप लोग चेक करके बताइए कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और यहाँ पर संस्कृत का चेक कीजिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यहां पर ए सेट मैंने लिया है, सेट कोई भी हो वो मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर इधर सुधर हो जाता है, बाद बाकी सब ठीक ही रहता है। तो चलिए यहां से क्वेश्चन को डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो कह रहा है बहुत ही है आसान क्वेश्चन, सत्य का मुख किससे ढका है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्यमय पात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो है मुंडकोपनिषद का है। नेक्स्ट, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो चारों क्वेश्चन बहुत ही आसान था, है ना, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस तरह है और इधर देखिए क्वेश्चन जो बता रहे, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा शत्रु अगर आलस्य चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें क्रोध को बताया जाता है सबसे बड़ा शत्रु। अवास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन थे? तो विद्यापति इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन जो है प्राप्त है? तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, 10 ग्रुपों में कम से कम शेयर कर दे इसे, है ना। संकर चरित के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सही आंसर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं भारत की शोभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौसव संस्कार कितने हैं? तो सौसव संस्कार जो है वो मात्र 6 हैं। कितने हैं? तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का जो निर्माण होता है वो आपके संस्कारों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पर कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं ना, अंत्येष्टि संस्कार जो है मरने के बाद होता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो यहाँ पर जो है अंत्येष्टि का ही जो है मुख्य कर्म है। उसके बाद है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो आलस्य कथा की ये जो है युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20 में क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो जो है सो वो विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम था जो है करमवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी किसका वरण करती है? तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी वरण जो करती है उद्योगी पुरुष का जो है वरण करती है। नेक्स्ट है, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्भवत है? हितोपदेश से जो है उद्धृत है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? संस्कृत हो जाएगा इसका राइट आंसर। कालिदास ने किस नदी का वर्णन जो है
किया है, तो मंदाकिनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने का कंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर कौन था, तो यहाँ पर दानवीर जो था आप इसका आंसर कीजिए, बहुत ही आसान है, कर्ण था दानवीर, कौन था तो कर्ण था। नेक्स्ट है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर अशांति को जो है उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टी देखते हैं, है ना, आप वीडियो को लाइक करते हैं, जैसे 2, 4, 5, 10 ग्रुपों में शेयर कर दें, और आप कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कर्मकांड का वर्णन रोकने वाले ग्रंथ कौन है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरथा का संधि, अब यहाँ पर जो है सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ग्रामर वाला सेक्शन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन, मनोरथा का संधि विच्छेद क्या है, तो मन प्लस रथा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। महा प्लस ईसा की संधि होगी तो महेश होना चाहिए, है ना, इसका राइट आंसर ये होगा, ये देखिए महेशा है, महेशा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भाग्योदय में कौन सी संधि है, भाग्योदय में कौन सी संधि है, तो गुण संधि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा इस तरह, क्वेश्चन 36 कहता है एकम इति का सस्मत पद क्या होगा, तो एका एकम होगा इसका राइट आंसर। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, धनहीना इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराचरम में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, द्वंद समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, धनार्थ चतुर्थी का यहाँ पर जो उदाहरण हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, माता रमेशाय भोजन यच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो सह पद में जो है यहाँ पर होना चाहिए तृतीया विभक्ति होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ग्रहात बृह उदाहरणत अस्थि, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो यहाँ पर जो विभक्ति हो जाएगा वो आपका सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलम यानी कि करो मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में परि उपसर्ग है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो भव हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलिखत किस लकार का रूप है, तो लट लकार का जो है यहाँ पर रूप है। पचेत किस धातु का रूप है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पचे हो जाएगा इसका राइट आंसर। अकुर्वन में कौन सी अधातु है, तो क्री हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, मतीसु में कौन सी विभक्ति है, तो मतीसु में सप्तमी विभक्ति है, राइट आंसर है यहाँ पर। भवतः किस शब्द का रूप है, तो भू का जो है इस रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 और सेकेंड शिफ्ट का भी आंसर की आपको मिल जाएगा, तो चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कितने मार्क्स आपके बने कमेंट करके जरूर बताएं। लता शब्द की तृतीय बहुवचन रूप कौन सा है, लता भी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये आपका जो है बन जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, सहनीय में कौन सा ये है प्रत्यय होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग आंसर भी कर सकते हैं कौन सा प्रत्यय होगा, बहुत ही आसान है, अनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान में कौन सा तद्वित प्रत्यय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मतूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिका में कौन सा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर इक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरह दिख रहा होगा, है ना, देख सकते हैं, मित्र प्लस लत का निष्पन्न रूप है, तो मित्रता इसका राइट आंसर होगा। त्रिया डैश चरिन
चरंती खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृग हो जाएगा राइट आंसर। श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न क्या होगा? श्रुतम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध प्लस तुम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शताब्दी कैसा समास है? तो ये आपका द्विगु समास है। तो ये थे टोटल 60 क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद आपको हिंदी का आंसर की मिल जाएगा मुस्लिम स्टूडेंट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे 10 ग्रुपों में सेंड कर दें, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।